السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान हो गारशे बरी पर। मोहतरम नाज़रीन, तालिबे दुआ अब्दुर्रहमान साजिदी सलफ़ी, नाज़रीन दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको, जी हाँ आपको, अपने सिवा किसी और का मोहताज ना बनाए। आमीन आमीन तकब्बल या रब्बल आलमीन। नाज़रीन क्या बयां करूं, क्या रहने दूं, इस डिप्रेशन भरी दुनिया में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुल्क के वजीर आजम से लेकर तमाम के तमाम ज़ुमा व उमरा अपने आली शान या कंडीशन हवेलियों में हाथ में रिमोट लिए टेलीविज़न पर नज़र जमाए और हर किस्म के पकवान से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए दादे आयश दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ मुल्क का गरीब तबका, जी हाँ मुल्क का गरीब तबका, एक निवाले के लिए, जी हाँ एक निवाले के लिए सड़कों पर इस लॉकडाउन में पुलिस के डंडे खाते हुए नजर आ रहा है। मैंने देखा है, जी हाँ मैंने देखा और मैं देख रहा हूँ के उस बिलकते हुए बच्चे, सिसकती हुई माँ और उस रोते हुए बाप को, के इसी मुंबई की दुनिया में, इसी माया नगरी में, इसी उरूसुल बिलाद में, इसी भारत की दौलत की राजधानी कही जाने वाली मुंबई में, के गरीब के आंखों में आंसू और जुबां पर सिवाय सुकूत के कुछ और नजर नहीं आ रहा था। अल्लाह तू सुन, आज तुझसे शिकवा करता हूँ। रब्बुल आलमीन तेरे इन मोहताज बंदों का इस दुनिया में तेरे सिवा कोई और सहारा नहीं मिला, कोई बेहतरीन सबील पैदा कर दिया रब। आज लोग फोन पे पूछते हैं, जी हाँ फोन पे पूछते हैं, कोई जरूरत होगी तो बताना, जबकि पूछने वाला बखूबी जानता है कि उसकी वाशी जिंदगी कैसी है। भला बताओ ये गैरतमंद इंसान कैसे कह सकता है मुझे जरूरत है? आप खुद ही जवाब दो ना, ये गैरतमंद इंसान कैसे कह सकता है मुझे जरूरत है और सब कुछ पूछने वाला जानता है। मोहतरम नाज़रीन, मेरे ख्याल से मेरा मानना ये है कि सबसे बड़ी बीमारी इस दुनिया में गुर्बत। दुनिया किसी मुफलिस की हमराज नहीं होती, दुनिया किसी मुफलिस की हमराज नहीं होती, दौलत कभी गुर्बत की हमराज नहीं होती। नाज़रीन सहाबे किराम नेकियों के बड़े हरीस थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा करते थे, दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु दखलतुल जन्ना, अल्लाह के नबी कोई ऐसा अमल बतलाइए जिसे करूँ और करने के बाद जन्नत मिल जाए। यानी नेकियों की इस कदर हिस्स थी कि एक दूसरे से सबकत ले जाने की हमेशा तलब में रहा करते थे। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा मैं मदीने के मजाफात में एक झोपड़ी में एक बुढ़िया को तनहा बिस्तर पर देखा, तो मैंने जो है उसके सामान को भी देखा, बड़ा सलीके और करीने से रखा हुआ। मैंने पूछा, ए बुढ़िया अम्मा, ए अम्मा ये सब आपके काम कौन करता है? बुढ़िया माँ जवाब देती है, एक शख्स फजर से भी पहले आता है, सब काम करके चला जाता है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में तड़प पैदा हुई, जस्तजु पैदा हुई कि आखिर जाने वो कौन है जो ये सब काम इतने बेहतर ढंग से करके जाता है। चुनांचे दूसरे दिन आए तो फिर वो काम करके चले गए थे। इसी तरह से तीसरे दिन
जानने के लिए आए तो देखा कि एक आदमी घर के कामकाज को कर रहा है, सामान को सलीके से रख रहा है। जानते हैं आपको कौन शख्स था? वो शख्स सहाबी रसूल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला। नाज़रीन, आपने देखा कि किस कदर सहाबे किराम में खिदमत खल्क का जज्बा और इसी तरह से नेकियों की हिर्स थी आज हम में है। हम भी गौर करें, अपने आप में देखें और समझें। सही मुस्लिम की रिवायत हदीस नंबर 1028 1028, हदीस के रावी मशहूर सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आज तुम में से कौन रोजेदार है? हजरत अबू बकर ने कहा मैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आज तुम में से किसने जनाजे में शिरकत की? हजरत अबू बकर ने कहा मैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आज तुम में से किसी ने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया? हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा मैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आज तुम में से किसी ने किसी मरीज की आदत की? हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा मैं। तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस भी इंसान में ये सारी खूबियाँ जमा हो जाए तो जन्नत में दाखिल होगा। आपने देखा, गौर किया कि इसमें मिस्कीन को खाना खिलाना भी है, भूख को खाना खिलाना भी है। अल्लाह अकबर, ये जन्नत में ले जाने वाला है। दूसरी रिवायत सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2569 2579, इस हदीस पाक के रावी भी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत के दिन पूछेगा, क्या पूछेगा कि ऐ इब्ने आदम, मैं बीमार था, तूने मेरी आदत नहीं की। बंदा कहेगा अल्लाह तो रब्बुल आलमीन है, सारे जहान का मुरब्बी और पालनहार है, मैं तेरी कैसी आदत करता? अल्लाह कहेगा क्या मेरा फला बंदा बीमार नहीं था, तूने उसकी आदत नहीं की, अगर तूने उसकी आदत की होती तो उसे आज मेरे पास पा लेता। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा ऐ इब्ने आदम, मैंने खाना मांगा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। बंदा कहेगा अल्लाह तू रब्बुल आलमीन है, सारे जहान का पालने वाला है, ऐ अल्लाह मैं तुझे कैसे खाना खिलाता? अल्लाह कहेगा क्या मेरे फला बंदे ने तुझसे खाना नहीं मांगा था, तूने खाना नहीं खिलाया, आज अगर तूने उसे खाना खिलाया होता तो मेरे पास उसे पा लेता। फिर अल्लाह सुभानहू व तआला कहेगा है इब्ने आदम, मैंने तुझसे पानी मांगा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। बंदा कहेगा अल्लाह तू तो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल आलमीन है, सारे जहान का पालने वाला, अल्लाह मैं कैसे तुझे पानी पिलाता? अल्लाह कहेगा क्या मेरा फला बंदा तुझसे पानी नहीं मांगा था, अगर तूने उसे पानी दिया होता तो आज उसे मेरे पास पा लेता। नाज़रीन, आप गौर कीजिएगा कि आज ज़रूरत है मिस्कीन को, भूखों को खाना खिलाने की, और आप जो है मस्त हैं अपनी दुनिया में। आप कल क़यामत के दिन जब अल्लाह पूछेगा तो आप क्या जवाब दोगे, ज़रा सोचना और गौर कर लेना। आप अपने पैसे को समेट करके रख रहे हो, याद कर लेना अल्लाह पूछेगा कि मिस्कीन को खाना तूने क्यों नहीं खिलाया, मेरा फला बंदा भूखा था, आप क्या जवाब दोगे? नाज़रीन, इसलिए हमें चाहिए कि हाजतमंदों ज़रूरतमंदों से महब्बत करें, इंसानियत का सही पैगाम दुनिया के सामने आम करें और नेकियों में हम सबकत करें ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा हासिल हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इस नेक काम को भरपूर करने की पूरी तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।